या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए दुर्गा मैया की। भक्त जनों, अष्टभुजी माँ आद भवानी दुर्गे का सृजन असुरों के विनाश हेतु हुआ था। जब असुरों के आतंक से त्रिदेव तक परास्त हो गए थे, तब सबने माँ को अपनी अपनी शक्तियां आवंटित की और उन्हीं शक्तियों से माँ दुर्गा का सृजन हुआ। अष्टभुजी माँ दुर्गा ने सिंह सवार होकर रौद्र रूप धारण किया और असुरों का समूल विनाश कर दिया। सभी देवी देवताओं को माँ दुर्गा ने ही उनके कष्टों से मुक्त किया। तो आइए सुनते हैं माँ दुर्गा के प्राकट्य की और उनके पराक्रम की यह संगीतमय गाथा। बोलिए दुर्गा मैया की। दुर्ग विनाशिनी अष्टभुजी माँ अम्बिके, असुरों का माँ विनाश है करती जगदाती जगदम्बिके। दुर्गा दुर्ग विनाशिनी अष्टभुजी माँ अम्बिके, असुरों का माँ विनाश है करती जगदाती जगदम्बिके। दुर्गा भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, अष्ट भवानी नमो नमः, सिंह सवारी नमो नमः। दुर्गा भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, अष्ट भवानी नमो नमः, सिंह सवारी नमो नमः। भक्त जनों, कालांतर में महिषासुर नामक एक भयंकर दैत्य हुआ था। उसका पिता दैत्यराज रंभासुर था और उसकी माता एक महिषी अर्थात एक भैंस थी। बालापन से ही महिषासुर असीम अतुलित बलशाली और पराक्रमी था, परंतु स्वभाव से बहुत उदंडी भी था। क्योंकि उसका जन्म दैत्य और महिषी के संयोग से हुआ था, अतः वो जब चाहे राक्षस और जब चाहे भैंसे का रूप धारण कर सकता था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के परामर्श पर उसने ब्रह्मा जी का घनघोर तप किया और कई हजार वर्ष के उपरांत जब उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उसे वर देने चले, तो सभी देवताओं ने उन्हें ऐसा करने से रोका। कहा, प्रभु यदि इसे वर दे देंगे तो ये और भी उद्दंडी हो जाएगा। परंतु ब्रह्मदेव ने कहा, इसकी कठिन तपस्या के आगे मैं बेबस हूँ। और वो महिषासुर को वर देने हेतु उसकी तपोस्थली पहुंचे। उससे कहा, हे तात, उठो और मनचाहा वर मांगो। महिषासुर ने क्या मांगा, आइए सुनते हैं। अजर अमर हो जाऊं, भगवन मृत्यु मुझसे दूर रहे, देव धनुज कोई पशु न किन्नर कोई मुझे न मार सके। ब्रह्मदेव बोले, जो आया है एक दिन वो जाएगा, मृत्यु तो अटल है, भक्ता इससे ना बच पाएगा। किसी कुमारी कन्या के हाथों में मारा जाऊं, आपके हाथों ब्रह्मदेव मैं वरदान ऐसा पाऊं। दुर्गा भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, अष्ट भवानी नमो नमः, सिंह सवारी नमो नमः। ब्रह्मदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए और वो पापी घनघोर अट्टहास करता हुआ अपनी राजधानी में लौट आया। कुटिल उदंडी तो पहले से ही था, ब्रह्मा जी के वर के उपरांत अब तो वो और भी शक्तिशाली हो गया और तीनों लोकों में भीषण हाहाकार मचाने लगा। और फिर वो घड़ी भी आ गई भक्तों, जब उसने स्वर्ग पर अधिकार करने की सोची। कई करोड़ दानवों की सेना एकत्रित की और एक दिवस अचानक से स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मदेव का वरदान तो था ही,
उसे कोई मारने वाला भी नहीं था, इसलिए उसने आसानी से स्वर्ग पर अधिपत्य जमा लिया। कई करोड़ राक्षसों ने सारे देवी देवताओं को खदेड़कर स्वर्ग से दूर भगा दिया। सभी देवी देवता अब त्रिदेवों की शरण में आ गए। आगे क्या हुआ, आइए सुनते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेवा, अब तुम प्राणों की रक्षा करो। महिषासुर के हाथों भगवन हमारा सारा दुखड़ा हरो। बात सुनी देवों की तब त्रिदेव विक्रोध में आए थे। महिषासुर से लड़ने हेतु युद्ध भूमि में आए थे। ब्रह्मा के वरदान से दैत्य को वो ना मार सके। युद्ध में देखो तीनों देव भी महिषासुर से हार गए। दुर्गा भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, अष्ट भवानी नमो नमः, सिंह सवारी नमो नमः। अब त्रिदेवों समेत समस्त देवी देवताओं ने मिलकर महिषासुर के अंत का विचार किया। ब्रह्मदेव के वर के अनुसार उसका अंत एक कुंवारी कन्या के हाथों ही हो सकता था। सो सब ने अपनी अपनी समस्त शक्तियों को एक साथ एकत्रित कर ध्यान लगाया और माँ दुर्गा को शक्ति रूप में प्रकट किया। अब बारी थी माँ दुर्गा को अत्यंत शक्तिशाली बनाने की। सो शिवजी के तेज से देवी माँ का मुख बना। भोले शंकर ने अपना तीजा नेत्र और त्रिशूल माँ को समर्पित कर दिया। यमराज के तेज से माँ का मस्तक और बाल बने और यमराज ने अपना यमदंड माँ को प्रदान किया। विष्णु जी के तेज से माँ की आठ भुजाएं बनी और विष्णु जी ने माँ को अपना शंख गदा और सुदर्शन चक्र समर्पित किया। इसी तरह इंद्र ने अपना वज्र और एरावत हाथी, सूर्य देव ने अपना तेज, अग्नि देव ने अपनी जलन, अरुण वरुण ने वायु और पानी, हिमालय ने सवारी हेतु सिंह माँ को प्रदान किया। अब माँ महिषासुर से युद्ध करने को एकदम तत्पर थी। भक्तों, शिव जी ने त्रिशूल दिया और तीज नेत्र की शक्ति दी। विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, यम ने दंड प्रदान करी। इंद्र ने एरावत और वज्र माँ के नाम किया। अग्नि वायु और मेघों ने शक्तियों को प्रदान किया। सिंह पे माँ असवार हुई, लड़ने को तैयार हुई और गर्जना करती हुई माँ युद्ध भूमि में आ गई। दुर्गा भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, अष्ट भवानी नमो नमः, सिंह सवारी नमो नमः। माँ ने युद्ध भूमि में जाकर भयंकर अट्टहास और गर्जना की। तब महिषासुर का मंत्री उद्गग्र 60,000 दैत्य की सेना ले आया। माँ ने तीजा नेत्र खोल एक पल में 60,000 दैत्यों को भस्म कर दिया। अब महामनु दैत्य 1 करोड़ दैत्यों की सेना लेकर आया। भक्तों, माँ ने अगले ही पल वायु के वेग से आधे सैनिकों को उड़ा दिया और आधे सैनिकों पर भयंकर वर्षा कर उन्हें पानी में बहा दिया। अब वास्कल नाम का दैत्य 60,000 सैनिक लेकर एक बार फिर माँ के आगे आ गया, जिनमें आधों का सीना तो माँ के सिंह ने अपने नाखूनों से चीर दिया और आधे एरावत हाथी ने अपने पैरों के नीचे कुचल दिए। माँ ने अपने दुष्कर बाणों से समस्त दैत्य सेना का विनाश कर दिया। अब महिषासुर युद्ध को आ गया। भक्तों, कई दिनों तक माँ दुर्गा और महिषासुर का भयंकर युद्ध चला और फिर माँ अष्टभुजी नारायणी के सिंह ने महिषासुर को अपने नाखूनों तले दबा दिया। भक्तों, और माँ ने
शिव जी के दिए त्रिशूल से उसकी छाती चीर कर उसका वध कर दिया। चहुं ओर माँ के नाम के जयकारे गूंजने लगे। की शक्ति के आगे तो दैत्य कोई न टिक पाया। जो मैया से लड़ने आया उसने मृत्यु को पाया। माँ दुर्गा के सिंह ने भक्तों महिषासुर को भींच लिया। शिव के त्रिशूल से माँ दुर्गा ने उसका सीना चीर दिया। माँ दुर्गा के हाथों से उस पापी का अंत हुआ। देवों ने फिर स्वर्ग लोक का अधिकार वापस पाया। दुर्गा भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, अष्ट भवानी नमो नमः, सिंह सवारी नमो नमः। तीनों लोकों में अष्टभुजी माँ दुर्गा की जय जयकार होने लगी। इंद्र एक बार फिर पुनः स्वर्ग का अधिपति बन गया और सभी देवताओं ने अपना खोया सम्मान पुनः प्राप्त किया। त्रिदेवों सहित सभी देवी देवताओं ने माँ का पूजन अर्चन किया और उनके क्रोध को शांत किया। तब ही से भक्तों माँ दुर्गा का अष्टभुजी स्वरूप तीनों लोकों में अपार श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण के साथ पूजा जाता है। तो आइए हम भी माँ दुर्गा के चरणों में शीश नवाते हैं और माँ से असीम कृपा प्राप्त करते हैं। बोलिए अष्टभुजी माँ दुर्गा भवानी की जय। दुर्गा माँ को शीश नवाओ, दुर्गा के गुण गाओ जी। दुर्गा माँ की कृपा भक्तों इस जीवन में पाओ जी। चंदन तिलक लगा मैया को, मैया का आह्वान करो। आरती चालीसा को गाओ, मैया का गुणगान करो। सिंह पे असवार माँ, सृष्टि की करतार माँ, अपने भक्त जनों की नैया भव से करती पार माँ। दुर्गा भवानी